तो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, आज मैं आ गया हूँ होबी टाउन शूट लोकेशन पे। ये अलीपुर के इलाके में पड़ता है और मेरे साथ है मिस्टर अरहान जो कि सिनेमाटोग्राफी में काफ़ी बिजी हैं और मिस अर्चना जो कि डायरेक्शन दे रही हैं इस सारे शूट में। हमारे साथ एक कपल हैं जो कि प्री वेडिंग शूट कराने हमारे पास आए हैं। बहुत सारी लोकेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ मैं एक एक करके आपको दिखाना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए पहले एक थोड़ा सा वर्चुअल टूर करा देता हूँ जहाँ पर मैं अभी आया हूँ शूट कराने के लिए। आगे क्या है आपको दिखाता हूँ। आइए अर्चना, ये है यहाँ का लाइब्रेरी सेटअप जहाँ पे अलग अलग पोजेस लिए जाते हैं, डिज़ाइन लिए जाते हैं और बुक्स वगैरह सारी यहाँ पे आके रखी हुई है। और इस बुक्स के आगे पीछे करके एक अच्छा सा एक शॉट निकाल सकते हो। हमने बहुत सारे शॉट्स निकाले हैं जो आपके आगे चैनल में आपको शेयर करूँगा लिंक इसका। तो ये सारे लोकेशंस हैं, यहाँ पर भी टेबल्स हैं और बुक्स हैं। फिर अगर हम आगे आते हैं तो आगे भी ये सारे कुछ सेटअप बने रखे पड़े हैं और यहाँ पर भी एक अच्छा सा पोज बना के और एक अच्छी डिज़ाइन के साथ एक वीडियो बनाई जा सकती है। बहुत अच्छा लोकेशन है, चीप एंड बेस्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले रूम में। तो इस रूम में क्या सेटअप है, इस रूम में एक किचन बनाया गया है। ये किचन का आर्टिफिशियल सेटअप है जहाँ पर अलग अलग पोजेस को आप सेटअप कर सकते हैं। सुबह हम लोगों ने यहाँ शूट किया था और सारा कुछ यहाँ पे दिखाया था। फिर आप इस साइड अगर आते हो तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पियानो है जिसके थ्रू एक अच्छा सा हम लोग पोज क्रिएट कर सकते हैं। ये बजता नहीं है, ये जस्ट एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग है, एक प्रिटेंड करना है हम लोगों को कि भाई ये यहाँ पे बज रहा है। ये देखिए डायरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, शूट को किस तरह से प्लान किया जाता है। ये देखिए भाई साहब, मलिक ब्रांड कितनी तेज़ी में शॉट ले रहे हैं। एक्सप्रेशन देखो भाई मलिक ब्रांड का, ये भाई साहब ने फाइनल ले लिया। लगता है फिर एक बार और दौड़ना पड़ेगा, क्या लगता है डायरेक्शन आपका? एक शॉट लेना पड़ेगा ना। चलो ठीक है एक शॉट और लेते हैं, एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब लोगों को। वंस मोर, बस एक बार। और शॉट्स को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है मिस अर्चना और अरहान, ये कैंडिड सारे फोटोज़ निकाल रहा है। तो भाई और को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जितना शूट करना है कर लो, आधा मुझे दे देना मैं भी डाल दूँगा। पक्का पक्का भाई मिल जाएंगे। और अर्चना मैंने काफ़ी मेहनत करी है डायरेक्शन में, बहुत सारा पोज निकाल के दिखाया इन्होंने। राइट राइट, मज़ा आ रहा है डायरेक्शन देने में। चलिए बहुत अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और इन लोगों के साथ शूट करते हैं। हमारे आर्टिस्ट सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर सब थक चुके हैं, देखो कितनी परेशान सी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, थकी नहीं हूं मैं। थकी नहीं हूं ना, आई एम रियली एंजॉयिंग। चलो बहुत सही, दैट जो आप एंजॉय करते हो उसमें आप कभी नहीं थकते। एग्जैक्टली, आपका पैशन होता है तो आप कभी नहीं थकते। ये आपका पैशन है। राइट। और भाई कैसा लग रहा है? बस अच्छा लग रहा है, मैं ये बोल रहा हूं। बोलो बोलो जो बोलना चाहते हो। लंच भी नहीं करा है, सुबह ब्रेकफास्ट किया था सबने और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं कि भूल ही गए थे कि लंच भी खाना खाना है कुछ। राइट राइट, करो या फिर हाँ ये हो सकता है, मतलब कटा भी लग जाएगा ना। ठीक है ठीक है, आप उल्टा मत जाओ क्योंकि आपने स्टार्टिंग में डायरेक्शन किया था यहाँ से आना शुरू किया था, फिर से यहाँ वापस जाओगे तो कुछ कोई सेंस नहीं बनेगा। उसी तरफ बढ़ो, थोड़ा सा शॉट लेना है बस जाने का, लॉन्ग शॉट लेना है। लोकेशन वहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, अब एक बार यहाँ से जाने का पीछे का शॉट लेना है। लाइक दिस, राइट, ले लो लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट लो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कट कट कट, डन। तो ये सारे पोजेस हमें बताने होते हैं, शॉट्स बताने होते हैं। ये आपने देखा कि किस तरह से सारे सिनेमेटोग्राफी होती है, डायरेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्री वेडिंग शूट के लिए, इवन किसी भी तरह के शूट के लिए। तो अभी गाइडेंस चल रही है, डायरेक्शन वगैरह सारा हम लोगों ने दिया है, एक शॉट लिया गया है तो थोड़ा सा कुछ और इसमें चाहिए शॉट्स, तो हम लोग दोबारा इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि शॉट अच्छे से अच्छा निकल करके आए। तो भाई साहब प्री वेडिंग का बिहाइंड द सीन शूट देखिए, ऐसे होते हैं यहाँ एक प्री वेडिंग शूट, कितनी मेहनत लगती है एक शूट करने में। ये बंदे सिनेमेटोग्राफर हैं, ये इनका एक शूट हो रहा है। ये देखिए पोजेस बनवाने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं, तब जाके एक शॉट निकलता है।
तो भाई साहब भूख लग गई है काफ़ी ज़्यादा, हो गया टाइम लगभग 4 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा करेंगे हम लोग लंच, लंच के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे शूट के लिए, और शूट करने के बाद फिर कुछ नए लोकेशन से जाएंगे। बहुत सारे लोकेशन हैं पीछे, देखिए ये सारे आर्टिफिशियल सेट्स बने हुए हैं, और यहाँ पीछे कैंटीन है, कैंटीन में चल के देखते हैं क्या क्या खाने के लिए अवेलेबल है, फिर उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ से सीधे इंटर करने के बाद एट द एंड अगर आप आओगे तो सीधे स्ट्रेट आने के बाद आपको ये कैंटीन दिखाई देगी। होबी टाउन में एक सिंगल कैंटीन है जहाँ आके अपना आप ब्रेकफास्ट लंच सारी चीज़ें कर सकते हो। ये है वो लोकेशन जहाँ हम लोगों ने अभी लंच किया है, और लंच करने के बाद फिर से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है। ये है वहाँ की कैंटीन जहाँ आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारा कुछ कर सकते हो। आगे से एंट्रेंस है, वहाँ से इंटर करने के बाद ये लोकेशन पे हमें आना होता है, और फर्दर आपको एक लॉक और की मिल जाएगा जिसके थ्रू यहाँ आप पे आके चेंज कर सकते हो, और जो भी आपके पास डिवाइसेज हैं कुछ भी, कैमरामैन अगर आपके साथ आया है तो वो अपना डिवाइस भी यहाँ रख सकता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आपको लॉक मिल जाता है, लॉक करो, लॉक करने के बाद फर्दर आगे चल के शूट करो। डोर लॉक कीजिए, लॉक करने के बाद बाहर निकलो, हग करो, बस 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 हाथ पकड़ के आगे निकल लो, देखते हुए एक दूसरे को, परफेक्ट। कार तक जाना है आगे, कार तक फोटोग्राफी भी कंटिन्यू रखना, बहुत अच्छा। आगे कार के पास ले जा करके रुक जाओ, कट। इस तरह के शूट्स हैं, लगभग हम लोगों ने बहुत सारे शूट को कवर किया, दिस इज गोइंग टू बी एंड। अब हम लोगों ने सारा शूट कवर कर लिया है, आगे जो वीडियो आएगी तो मैं लिंक में जरूर शेयर करूंगा कि हम लोगों ने शूट कैसा किया है। लोकेशन बहुत अच्छा है लेकिन दूर है, और ये फार्म हाउस है तो मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।